इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इंडिया के टेक और इंजीनियरिंग का टॉप इंस्टीट्यूट है, जहां पर एंट्री पाना हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है। सुंदर पिचाई, सीईओ ऑफ अल्फाबेट द कंपनी दैट ओन्स गूगल, नारायण मूर्ति को फाउंडर ऑफ इंफोसिस, सचिन बंसल और बिनी बंसल फाउंडर्स ऑफ फ्लिपकार्ट, और भी बहुत सारे कंपनीज के फाउंडर्स, ओला, जोमैटो, शुगर, housing.com, शॉपक्लूज, स्नैपडील, आज हर दूसरे स्टार्टअप के फाउंडर्स ये IITNs ही है। In fact, you'd be pretty surprised, आज 111 यूनिकॉर्न्स, यानी कि जिन कंपनीज की वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, उनमें से 90 यूनिकॉर्न्स के फाउंडर्स IITNs हैं। So, आखिर सवाल ये आता है कि ये IITs में ऐसा क्या सिखाया जाता है कि यहाँ के स्टूडेंट्स अपने करियर में अल्ट्रा सक्सेसफुल बन जाते हैं, और आखिर क्यों IIT में एडमिशन लेना इतना डिफिकल्ट है किसी भी आम स्टूडेंट के, और आखिर क्यों IIT के एग्जाम्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स होते हैं इन द एंटायर वर्ल्ड। चलो समझते हैं ये पूरा गेम क्या है। So, सबसे पहले समझते हैं IITs में एनरोल होने का बेसिक प्रोसेस ही क्या है। तो 12th स्टैंडर्ड में अगर एक बच्चा 75% मार्क्स लाता है, तभी वो बेसिकली JEE मेंस के लिए क्वालिफाई भी होता है। JEE मेंस के लिए क्वालिफाई और उसे अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट्स का नंबर ऑन एन एवरेज इंडिया में 12 लाख होता है, लेकिन ये भी एक काफी टफ एग्जाम होता है टू क्रैक, जिसमें हर साल 12 लाख बच्चों में से सिर्फ टॉप 2.5 लाख बच्चे ही आगे बढ़कर JEE एडवांस का एग्जाम अटेम्प्ट कर पाते हैं। अब इसके बाद फिर से आता है एक और एक बड़ा फिल्टर, जिसमें उन 2.5 लाख बच्चों में से भी सिर्फ टॉप 10,000 बच्चे ही क्वालिफाई करते हैं टू गेट एडमिशन इन एन IIT फैसिलिटी। यानी कि अगर यहां तक भी हम सिर्फ देखें, तो ओरिजिनली अप्लाइड 12 लाख बच्चों में से सिर्फ 0.8% ही बच्चे IITs में सिलेक्ट होते हैं। यस, सिर्फ 0.8% बच्चे। लेकिन ये तो हम इन जनरल IIT कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। अगर हम सबसे प्रेस्टीजियस IIT कॉलेजेस देखें, जैसे IIT बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर या मद्रास, तो ये कॉलेजेस तो उन 0.8% बच्चों में भी और ज्यादा फिल्ट्रेशन करते हैं स्टूडेंट्स का पर्सनल वन ऑन वन इंटरव्यूज लेकर। सो मल्टीपल एग्जाम्स के थ्रू बच्चों को 4-5 बार फिल्टर करके ही IITs में सिलेक्ट किया जाता है। अब सवाल यह आता है कि एग्जैक्टली IITs में पढ़ाया क्या जाता है जो इन्हें दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले इतना भारी एज मिलता है कि ये सुपर सक्सेसफुल बनते हैं। बाकी के कॉलेजेस स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाते हैं और IITs में इनका ओवरऑल ग्रूमिंग कैसे होता है, दूसरे कॉलेजेस का कल्चर क्या होता है और IITs का कल्चर क्या होता है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में कुछ ही देर में जानेंगे। लेकिन उससे पहले, क्या आपने अनअकैडमी के आरंभ इवेंट को लाइव देखा था? अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो मैंने स्टोरीज डाली थी, ये एक मेगा इवेंट था जिसमें अनअकैडमी ने IIT, JEE और नीट जैसे एग्जाम्स की कोचिंग के लिए काफी बड़े सरप्राइजेस रिवील किए थे। मैंने खुद पर्सनली ये इवेंट अटेंड भी किया था बैंगलोर जाकर, और इसका एक व्लॉग भी बनाया था जस्ट टू ट्राई समथिंग न्यू, तो उस व्लॉग के कुछ क्लिप्स अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और हाँ फ्रेंड्स, मैं और मेरी टीम गेट सेट फ्लाई, हम एक मस्त से ट्रिप पे गए थे, जिसे भी मैंने आगे इसी वीडियो में एक मिनी व्लॉग में कवर किया है। सो स्टे ट्यून्ड, मुझे कॉमेंट्स में बताना ये मिनी व्लॉग आपको कैसा लगता है। बेसिकली पर्पस मेरा ये था कि अनअकैडमी के इस न्यू प्रोजेक्ट में उनकी क्या ऑफरिंग होने वाली है IIT और नीट स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइस, यहां से स्टार्ट होता है हमारा व्लॉग। तब हम जा रहे हैं अपने एक यूट्यूब के भाई है मिस्टर प्रोटॉन चैनल प्रेम सुख, तो उनके रूम में जा रहे हैं। वहीं से फिर बाद में हम जाएंगे अनअकैडमी के लिए। JEE मैरियट में प्रोग्राम है इनका आज। एक चीज़, जब भी आप बैंगलोर आओगे आप नोटिस करोगे ये सिटी कितनी क्लीन सिटी है। एक्चुअली मैं ये एक एलिवेटेड सिटी है, सो आई थिंक 1000 meters अबव सी लेवल, तो इस वजह से क्या होता है कि डस्ट एंड पोल्यूशन सब नीचे सेटल हो जाता है और काफ़ी क्लीन आपको एटमोसफियर मिलता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ का बहुत अच्छा है। ओह प्रेम सुख भाई, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वंस अगेन लास्ट टाइम दिल्ली में मिले थे। टाइम हो गया। आज साउथ में, एकदम नॉर्थ से सीधा साउथ। गाइस, दिस इज द गेटअप फॉर टुडे। फॉर्मल्स चूज किया, पार्टी थोड़ी सी इनफॉर्मल लग रही है, लेकिन एक इनॉग्रेशन इवेंट है तो फॉर्मल शायद अच्छा लगे। और अब हम निकल रहे हैं। क्रिएटर्स को असेंबल करना सबसे पेन इन द एस काम होता है, बिकॉज सब लोग आराम से आते हैं। इसको हिंदी में बताइए, पेन इन द एस का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बहुत कूल लगता है ना। ये फैमिली फ्रेंडली चैनल है। क्रेजी बड़े बिग रिवील्स करने वाले हैं, पता नहीं क्या होने वाला है, ऐसा कुछ सरप्राइजेस। वो तो गाइस बस में आ गए हैं, सेटल हो गए, एकदम वैनिटी वैन वाली फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों। सारे क्रिएटर्स हैं यहाँ पे। बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ लेकिन पहचान नहीं मैं आपको। एंड वी हैव आवर फेवरेट यूट्यूबर हियर, हम सबके मेंटर, तो चलो वी आर गोइंग टू द मेंटर। वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वी विल सी यू गाइस देयर।
यू मेक वेरी गुड कंटेंट, आई एम अ बिग फैन. थैंक यू. आपकी बात 400 बार. आप पॉलिटिकल कंटेंट बनाते हो? वेरी मच इंटरेस्टेड. So, Un Academy आरंभ के इवेंट में इन्होंने जो सरप्राइजेस रिवील किए थे वो ये है कि सबसे पहले तो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन फॉर IIT, JEE और NEET UG के कोर्सेज के प्राइसेस 40,000 से स्लैश होकर अभी सिर्फ 4,999 में आ चुके हैं. लेकिन अगर आप 14 अप्रैल से पहले एनरोल करते हो तो 2025 और 26 के लिए काफी सारे बैचेस भी Un Academy ने इस इवेंट में अनाउंस किए थे, जैसे कि निम्बस, नेक्सस और फीनिक्स बैच विद इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, जो 17 अप्रैल से स्टार्ट होंगे. ऑफलाइन एजुकेटर्स के भी बैचेस स्टार्ट होंगे, जैसे मैवरिक, स्विफ्ट और फाल्कन, जिसमें आप घर के कंफर्ट में ही ऑफलाइन कोचिंग एक्सपीरियंस कर सकते हो. और इन सब के लिए आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है, जिसमें आपको ये सारे बैचेस और आगे भी Un Academy जितने भी बैचेस लॉन्च करेगा उन सब का एक्सेस मिल जाएगा. इसके अलावा ऑफकोर्स आपको एक्सेस मिलता है ऑफ Un Academy's अनलिमिटेड टेस्ट, DPPs, डिजिटल नोट्स, PYQs, डाउट सॉल्विंग सेशंस एंड मच मोर. और हाँ, अगर आप ऑफलाइन स्टडी करना चाहते हो तो आपको Un Academy के सारे कोचिंग सेंटर्स में 40% फ्लैट ऑफ मिल जाएगा. मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप खुद ही इसे चेकआउट कर सकते हो अगर आप IIT, JEE या NEET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो. क्योंकि IITs में तो एक बार अगर आप सिलेक्ट हो गए तो वहां पर तो स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग फिर नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है. सो अभी जस्ट बाहर आए इवेंट से, यार मेरे कान बज रहे हैं अभी तक, क्योंकि फ्रंट सीट थी एकदम फर्स्ट सीट और सामने ही स्पीकर्स थे और इतने जोर शोर से म्यूजिक चल रहा था. कल हमारे टीम वाले गेट सेट फ्लाई टीम मेंबर्स सब मिलके एक रिट्रीट पर जा रहे हैं. पासी का एरिया है लेकिन एक रिसॉर्ट है, वहाँ पे मज़ा आने वाला है. मैं आपको वो भी चीज़ों से अपडेटेड रखूँगा. सो गाइज, वो इवेंट ख़त्म हुआ था कुछ 3-4 o'clock को और वहाँ से फिर हम निकले फ्लाइट पकड़ के और अभी मैं आ गया हूँ वापस से मुंबई. और जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारी पार्टी है, टीम गेट सेट फ्लाई ने एक रिसॉर्ट बुक किया है और इस रिसॉर्ट में हम पार्टी कर रहे हैं बेसिकली. तो डीजे वीजे चल रहा है, मैं भी अभी स्विमिंग पूल से बाहर निकला हूँ, हम स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहे थे, वाटर स्पोर्ट्स. और इससे पहले ये लोग तो इनकी तो पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी, तो ये लोग जो टीम मेंबर्स हैं लोग ने क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेला, ये सारी चीज़ें. तो बस यही हालत है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उससे आप मेरी टीम को भी एक बार देख लोगे. टीम के लोग बहुत ही ज़्यादा फन है, बहुत ही कूल है. तो चलिए चलते हैं. तो यहाँ पर होता है मेरा ये मिनी व्लॉग खत्म. अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि IITs में बच्चों की ग्रूमिंग आखिर कैसी होती है जो इन्हें इंडिया के बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स और ब्रेन्स बना देते हैं. सो कम लोग ये जानते होंगे कि आजादी के बाद देश में IITs बनाने का एकमात्र ऑब्जेक्टिव था देश में टैलेंटेड युवाओं की एक ऐसी टास्क फोर्स बनाना जो भारत में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम्स, पावर प्लांट
और इंडस्ट्रीज खड़ी करे और इस बिखरे हुए देश को डेवलपमेंट में एक बूस्ट मिले। अब 1950s में जब पहला IIT बना था तब उद्देश्य तो यही था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि इसके लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता था, बस सिर्फ 12th में 75% से ऊपर स्कोर करो एंड यू आर इन। सो ऐसे में IITs रेगुलर कॉलेजेस की तरह बस एक एम्प्लॉयमेंट हब ना बन जाए, इसीलिए 1960s में IITs ने एंट्रेंस एग्जाम्स लेना शुरू कर दिया, जिनका पर्पस था सिर्फ बेस्ट में से बेस्ट माइंड्स को ही एंट्री देना और उन्हें ही ग्रूम करना। और यही वजह है कि आज हर साल सिर्फ 0.8% एस्पिरेंट्स ही IITs में चुने जाते हैं, यानी कि द टॉप क्रीम। अब ऑफ कोर्स IITs में एंटर करने वाले इंटेलेक्चुअली तो स्मार्ट होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग भी होते हैं, बिकॉज ये एग्जाम्स डिफिकल्ट टू क्रैक होते हैं। मगर फिर भी अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो एक पूरा बिजनेस खड़ा करना इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम। उसमें इंटेलेक्ट के साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, स्किल्स, फाइनेंशियल नॉलेज, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन स्किल्स, नेटवर्किंग जैसे स्किल्स भी चाहिए। बेसिकली एक स्टूडेंट को एक ऑलराउंडेड ग्रूमिंग की जरूरत होती है। सो उन्होंने इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकाला, कैसे किताबी कीड़े एक इंटेलेक्चुअल गीक को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में तब्दील किया जाए। अब इसके लिए फ्रेंड्स इन्होंने मल्टीपल लेवल पे काम किया, लेकिन पहले हम बात करते हैं एकेडमिक एजुकेशन में। IITs का एकेडमिक एजुकेशन कैसे डिफरेंट है दूसरे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के एजुकेशन से, इसके लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद ही सबसे पहले IIT के सेमेस्टर एग्जाम का ये क्वेश्चन पेपर देख लो। यहाँ पर 70 मार्क्स के लिए सिर्फ दो ही क्वेश्चंस पूछे गए, पहले में जवाब नहीं बल्कि लास्ट सेमेस्टर के बेसिस पर स्टूडेंट को खुद से सवाल बनाने के लिए कहा गया है, वो भी 30 मार्क्स के लिए, और अगले 40 मार्क्स के लिए अपने ही निकाले सवालों का जवाब देने को कहा गया है। अब आपको भी पता है आस्किंग राइट क्वेश्चंस ये परहैप्स इंसान की सबसे स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है, सबसे स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, और ये एक्चुअल में दर्शाता है कि आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी हुई है, क्योंकि जब आप किसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हो तभी तो आपको सवाल आते हैं। और यहां पर भी सवाल ऐसे सिंपल विंपल सवाल नहीं, बल्कि कितने डीप, कितने फंडामेंटल वो सवाल हो सकते हैं, जिन कुछ ही सवालों से आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में समझा जा सकता है, ये यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यू नो, बड़े बड़े साइंटिस्टों के सवालों ने दुनिया को बदला है। जवाब तो बाद में आए, पहले तो सवाल आया जहां पर लाखों करोड़ों लोग चुप बैठे थे, किसी को भी वो सवाल नहीं आया, बट इन्हें आया। इससे ये भी मालूम पड़ता है कि बच्चा कितना आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है, और फिर उन्हीं क्वेश्चंस को अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को यूज करके आपको एक क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके से सॉल्व करना है। सो एज यू कैन सी यहां पर एक क्वेश्चनिंग और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के कल्चर को एनकरेज किया गया है। स्टूडेंट्स को यहाँ पर सिर्फ रोट लर्निंग नहीं करवाई जा रही, बल्कि उन्हें एक्चुअली क्यूरियस होने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। और अगर आप गेट सेट फ्लाई साइंस के व्यूअर रहे हो तो ये आपको भी पता है, मैं तो कब से कह रहा हूँ क्यूरियोसिटी इंसान की सबसे बड़ी पावर होती है। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम क्यूरियोसिटी, फ्रॉम आस्किंग द राइट क्वेश्चंस एंड देन गेनिंग एन एबिलिटी टू आंसर देम फंडामेंटली स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। बहुत से लोग कहते हैं कि गौरव सर मुझे आपका चैनल बहुत पसंद है बिकॉज आप अच्छे से पढ़ाते हो। वेल, ये कोई सीक्रेट सॉस नहीं है, बस सिर्फ हम क्यूरियोसिटी से पढ़ाते हैं, और क्यूरियोसिटी से पढ़ाना बच्चों को ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड बना देता है, बिकॉज क्यूरियोसिटी एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है जो कि सोसाइटी ने दबा के रखा हुआ है। ये सब अननेसेसरी एकेडमिक स्ट्रीम्स बनाकर, ब्यूरोक्रेसी क्रिएट करके कि कॉमर्स वाला बच्चा कॉमर्स सीखे, आर्ट्स वाला सिर्फ आर्ट्स सीखे, उनका साइंस से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बट IITs में यही थिंकिंग इनसाइड द बॉक्स आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। फिर इन यूनिक एग्जाम्स के अलावा स्टूडेंट्स अपने इंटेलेक्चुअल और टेक्निकल स्किल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करें, इसके लिए भी वहां पर अलग से कई सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे IIT बॉम्बे का फेमस ई यंत्र रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन। फिर एक और एक कॉम्पिटिशन होता है जिसका नाम है अर्बन फ्यूचरिज्म। इसमें चैलेंज ये होता है कि स्टूडेंट्स को अपने AI, बिग डेटा एनालिटिक्स और कोडिंग के नॉलेज को अप्लाई करके सिटीज के लिए स्मार्ट सोल्यूशंस बनाने होते हैं। Like, let's say for example, एक ऐसा ट्रैफिक सिग्नल बनाना जो AI की मदद से खुद ही ट्रैफिक को मैनेज कर सके बिना एनी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। सो बेसिकली गोल ये होता है, यूज योर टेक्निकल स्किल्स टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड एड वैल्यू टू सोसाइटी। फिर अगर फाइनेंशियल नॉलेज की बात करें, एक ऐसा नॉलेज जो हमें अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में कभी नहीं मिलता, तो वहां पर हर साल मनी मैनेजमेंट पर भी सेमिनार्स होते हैं, और फिर उन सीखी हुई चीजों को प्रैक्टिकली टेस्ट करने के लिए भी कॉम्पिटिशन्स रखे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैश फ्लो कॉम्पिटिशन, इसमें स्टूडेंट्स को बड़े से बड़े कंपनीज का लास्ट 7 मंथ का इन्वेस्टमेंट डेटा दिया जाता है, और उसमें उन कंपनीज ने जितना भी प्रॉफिट कमाया है उन्हें वो प्रॉफिट किन किन चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना परसेंट करना चाहिए, इसके स्ट्रेटजीज बनाने को कहा जाता है। और एंड में गोल बस यही होता है, ये गेज करना कि आपका इन्वेस्टमेंट माइंडसेट, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज सही है या नहीं।
So basically, even before entering the real world, IITians financial literacy or investment strategies सीख चुके होते हैं। फिर अगर entrepreneurial skills की बात करें, जैसे हमने देखा था, एक बहुत ही close relation है IITians का और entrepreneurship का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? Well, IITs में बहुत सारे entrepreneurial skills सिखाए जाते हैं, जैसे कि for example, resource optimization skill। Simple शब्दों में आपकी company में आप कैसे कम से कम finances और resources में maximum output निकाल सकते हैं। आप अपने business processes को, अपने logistics को, अपने basically पूरे business system को कैसे आप optimize कर सकते हो, efficient बना सकते हो, इफेक्टिव बना सकते हो। यू नो, कोई भी बिजनेस में आइडिया तो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ 20% होता है। 80% तो हमेशा एग्जीक्यूशन होता है, और उसी के लिए रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। सो इन स्किल्स को डेवलप कराने के लिए भी IITs में अलग से कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल टास्क विज, जिसमें स्टूडेंट्स को अलग अलग सिनेरियोस दिए जाते हैं और उस हिसाब से स्टूडेंट्स को अपने बिजनेस मॉडल को स्ट्रेटेजाइज करना होता है, जो कि अंत में प्रॉफिटेबल हो। फिर एंटरप्रेन्योरशिप में नेटवर्किंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, योर नेटवर्थ इज डिटरमाइंड बाय योर नेटवर्क। और इसी के लिए IITs में कई सारे क्लब्स होते हैं, जिसमें आप अपने इंटरेस्ट और अपने पैशन के हिसाब से एनरोल कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एंटरप्रेन्योरशिप से, या फिर मेरी तरह अगर आप एक स्पेस लवर हो तो एस्ट्रोनॉमी क्लब भी है आपके लिए, म्यूजिक क्लब अगर आपको म्यूजिक पसंद है। आमतौर पर सारे IITians आगे जाकर अपने करियर्स में काफी सक्सेसफुल होते हैं, और इसमें इनका IITs में ही बिल्ड हुआ नेटवर्क बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि कोई भी स्टार्टअप में इनिशियली आपको ब्रेन्स चाहिए होता है, और IIT तो एक जगह ही है जहां पे आपको दुनिया के बेस्ट ब्रेन्स मिलते हैं। सो बेसिकली एकदम शॉर्ट में अगर बताऊं, वापस से रिकलेक्ट करूं कि क्यों IITians आगे जाके इतने सक्सेसफुल होते हैं, तो ये मेजर वजह है। नंबर वन, यहाँ के एकेडमिक्स में इंटेलेक्चुअल और टेक्निकल डेप्थ होता है, सिर्फ मगिंग नहीं कराया जाता है। नंबर टू, यहाँ का कल्चर हर स्टूडेंट को अपने पैशन को एक्सप्लोर करने देता है और नॉलेज के रेंज को बढ़ाने में हेल्प करता है। नंबर थ्री, प्रैक्टिकल नॉलेज थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज, इवेंट्स और कॉम्पिटिशंस। नंबर फोर, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट अगेन थ्रू ग्रुप कोलैबोरेशंस और टीम बेस्ड प्रोजेक्ट्स। नंबर फाइव, नेटवर्किंग थ्रू एक्सपोजर विद इन IIT सर्कल्स, क्लब्स एंड टॉप एकेडमिक फैकल्टीज जो रिसर्च फील्ड में भी काम करते हैं। और यही तो है ना यार ट्रू डेफिनेशन ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। आई स्ट्रांगली फील बाकी के कॉलेजेस को भी लेवल अप करना चाहिए। सिर्फ रट के मार्क्स लाना हमें रोबोट्स ही बनाएगा, क्रिएटिव थिंकर्स, प्रॉब्लम सॉल्वर्स और इनोवेटर्स बिल्कुल भी नहीं। आप खुद ही इमेजिन करिए, एक फैक्ट्री में अगर एक ही टाइप के मशीनरीज लगाए हैं, एक ही टाइप का सिस्टम है, एक ही टाइप का कन्वेयर बेल्ट है, जो भी प्रोडक्ट उस फैक्ट्री से निकलेगा वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स, हजारों लाखों कॉपीज, सब टोटली आइडेंटिकल होंगे। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम के वजह से आज हम जैसे स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। सेम पोर्शन, सेम आउटडेटेड सिलेबस लाखों लोगों को सिखाया जा रहा है, जिसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, और सारे के सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ डिग्री मिल जाती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो सिर्फ एक कॉपी होते हैं बाकी के लाखों स्टूडेंट्स की ही तरह। उन्हें कभी भी अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस करने का, को प्रोजेक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता है। और इसीलिए गाइस, इस वीडियो से मेरा बस यही मैसेज है कि आप कोई भी कॉलेज जाते हो, जितना हो सके अपने लर्निंग के लिए ऐसा ही कुछ, IIT के जैसा ही एनवायरनमेंट आप खुद क्रिएट करो। अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट में सराउंड करने की कोशिश करो, पहले खुद एक्सप्लोर करो, अपने पैशन को ढूंढो, और फिर उसमें और उसके आसपास के एरियाज में अपने नॉलेज के रेंज को बढ़ाओ। इससे आप अपने आप को भेड़ चाल से दूर लेकर जा पाओगे और खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे। एंड ऑनेस्टली, इन माय ओपिनियन, लर्निंग और एजुकेशन का मेन पर्पस यही होना चाहिए। विद दैट सेड, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना, गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ऐसे ही वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।